हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और ठंड के मौसम में सुबह सुबह उठना अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा आलस भी आता है, पर हिम्मत तो करनी है, काम करना है। प्लस बच्चों का जब स्कूल होता है ना, तो एनर्जी दिखाना पड़ता है, फुल एनर्जी होनी चाहिए शरीर में। और सुबह मॉर्निंग में उठने का मज़ा भी है बहुत, बाहर की वो ठंडी ठंडी हवा और जो मौसम अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ, ये दाल मैंने भिगोया था रात में, जो छिली हुई मूंग की दाल आती है उसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लिया है। तो आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है डोसा। मतलब हमेशा जो है बड़ा बनाया पैटर्न में बनाती हूँ, बट इस बार मेरा बहुत मन था इस टाइप का डोसे के लिए, तो मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया। और इसको ना पेस्ट में, मतलब पानी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये डोसे के लिए आप बना रहे हो इसलिए। और मैंने दूसरी बार जो पीसा है उसमें मैंने ऐड किया है हरी मिर्च, क्योंकि थोड़ा सा तीखा भी ज़रूरी है और थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें बीन्स, पालक, सब्जी वगैरह, मतलब ना पेस्ट बना के इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत ही और भी मतलब अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। पेस्ट मैंने ना आधा दो कन्वर्ट कर दिया, दो जगह इकट्ठा मतलब नहीं किया है मैंने। तो इसमें मैंने मसाले वगैरह, नॉर्मल बेसिक मसाले ऐड किया है, नमक वगैरह ऐड कर दिया था। अच्छा, उसके बाद जो है सबसे पहले अपने लिए गर्म पानी पी रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह उठ के मेरा गर्मी हो चाहे ठंडी हो, गर्म पानी ज़रूर पीना होता है, गुनगुना पानी। और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी पी लेती हूँ जब मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा। और यहाँ पर सिया देख रहे हैं, आज सिया का मन था रात में, तो बाहर सिया ने सोफ़ा कम बेड में सोई थी सिया, और उसको आदत है फ़ैन चालू करने की। और मुझे इतनी, हम लोगों को सबको ठंडी लगती है कि फ़ैन नहीं चालू करना पसंद है जब ठंडी आ जाती है। तो यहाँ रूम देख रहे हैं कितना मैसी है, मतलब सिया की साइकिल, दोनों दो दो साइकिल खड़ी रहती है, कि ये साइड एक वो साइड, तो काफ़ी आलस आने लगता है। तो रंगड़ाइयाँ लेने के बाद मैं पैटर वगैरह सब रेडी तो हो गए थे सारी चीज़ें, तो मैंने कहा तो चलो तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। और पूरा रेडी हूँ, बस लोवर पहनना है, जो नाइट सूट पहना था मैंने अभी वही पहना हुआ है फ़िलहाल, बस टी शर्ट चेंज कर लिया था। तो मैंने कहा रेडी हो जाऊँ, उसके बाद खा के जो है निकल लूँगी। यहाँ आप कमरा थोड़ा मैसी है, इग्नोर करिएगा, मैं रेडी हो गई हूँ। तो जो जैकेट वगैरह आयान का फैला हुआ था, क्योंकि बारिश हुई थी, बच्चे भीग गए थे उस दिन, तो कपड़े सुखाना तो बहुत ज़रूरी है, खासकर जैकेट वगैरह। और मौसम का बहुत बुरा हाल है यहाँ कानपुर में भी, और अभी तो धूप अच्छी निकली है, बट बहुत दिन मौसम ख़राब रहा है। पर वैसा मौसम नहीं रह गया पहले जैसा, पहले धूप निकलती थी, अब उस टाइप का नहीं रह गया। और आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे सबसे पहले बनाऊंगी मेरा ये जो डोसा था मैं लेकर आई थी मॉल से, आपको मैंने शेयर किया था, बहुत बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है एंड बिग साइज़ का है। तो इसमें इस तरह से जो है मैं डोसा जो है रेडी कर लिया है मैंने। और आप ना स्टफिंग में जो चाहे आप ऐड कर सकते हैं, जिससे लाइक पनीर हो गया है मैश करके ऐड कर लीजिए, या आलू है, जो भी आपको पसंद है। तो अयान ना खासकर आलू लू होता तो फिर खाता भी नहीं है, कम खाएगा, तो मैंने ना सिंपल आज किया था, हमेशा आलू के पराठे हो गए, आलू वो सब लेके जाते पनीर वगैरह, तो बच्चों को इतना पसंद आया था ये कि मतलब ना दो दो खा के भी गए थे, मतलब छोटे छोटे उन लोगों के लिए बनाया था मैंने तो खा भी लिया, बड़े बड़े साइज़ के अगर बनाओ तो वो खाते भी नहीं है। ये स्पैचुला एक्चुअली मैंने ना इस तवे की वजह से, इस टाइप का जो स्पैचुला होता है ना, वो मैंने खासकर परचेज किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो डोसा तवा है वो तो मैंने मार्केट से लिया था, तो उसका लिंक तो नहीं दे पाऊँगी। और तीन जो है स्पैचुला है, और यहाँ पे डोसा इतना अच्छे से जल्दी जल्दी जो है ना बन जाते हैं डोसा। तो यहाँ मैंने अयान के लिए नमकीन और फ्रूट्स रख दिया है एक, और बादाम रख दिया है। और पहले तो एक डोसा रखा था, फिर बाद में मैंने दो रख दिया कि उसको पसंद आएगा ना वो खा लेगा, क्योंकि बच्चे लेट आते हैं और सिया शेजवान चटनी ज़रूर ले जाती है साथ में। मैंने अपना नाश्ता तो कर लिया था, एक बना के खा लिया था, इनके लिए बना रही थी। और मैंने कहा फिर मैं चली जाऊँगी जिम, फिर आकर जो है ना फिर ये लेट हो जाता है इनको नाश्ते में, तो मैंने कहा तुम सुबह कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा नाश्ता, तो बहुत अच्छा लगता है सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। और ये अपना रेगुलर जो है ना ये योगा स्टार्ट किया है इन्होंने, कंटिन्यू रखा है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और डेली ये जो है इस टाइम पे योगा ये वाला कंटिन्यू करते हैं। मैं आ गई हूँ जिम फ़िलहाल, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रेडमिल में 3.7, 4.3 इस तरह से अभी तो कर रही हूँ, अभी स्टार्टिंग है और थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा बाद में, धीरे धीरे फिर से स्टार्ट करना है वर्कआउट।
फर्स्ट डे ही जो है मेरा जो ये बैक वाला वर्कआउट वगैरह जो है भैया ने कहा था कि स्टार्ट कर दो, तो जो ज़्यादा नहीं तीन तीन स्टेप किए थे मैंने। और इसमें ना चार तरह की वर्कआउट होता है, मतलब ये इस टाइप में जो है चार तरह का वर्कआउट है। तो ज़्यादा शूट नहीं किया है मैंने फ़िलहाल, क्योंकि ना अगर मैं शूटिंग पे ही लग जाऊँगी ये तो कोई हो मेरे साथ, सिया पहले जाती थी तो बहुत सारा वर्कआउट जो है ना वो पूरा मेरा शूट करती थी वीडियो, अब तो मुझे अकेले करना है तो ये तो वर्कआउट कर लो ये तो मैं वीडियो बना लो, तो जितना हो पाता है उतना बना लेती हूँ। लास्ट है ये ट्रेडमिल करके ही जाती हूँ मैं 10 मिनट का। और बस 1 घंटे बाद का है ये वर्क वहाँ से आने के बाद, और आ जाती है मेड ना तो मुझे जल्दी आना पड़ता है घर, तो इसी वजह से फिर आके मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद है। और गरम गरम देख रहे हैं मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, ये देखिए मैं गरम गरम सेक भी ले रही हूँ चाय का, तो बस चाय की बात ही अलग है, मैं तो चाय नहीं छोड़ सकती हूँ। और यहाँ हेयर वॉश कर लिया था मैंने आज, मुझे ठंडी लग रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी हेयर वॉश का, बट हेयर वॉश करना पड़ता है, और ठंडियों में हफ्ते में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, एक बार मुश्किल से हो जाए, हफ्ते दो हफ्ते में तो बहुत है अगर हेयर आपके गंदे हैं तो। और यहाँ मैंने ये वाली कुर्ती डाल लिया था, और ज़्यादा कुछ नहीं, लिप बाम लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र एक बहुत अच्छा सा मैंने न्यू मंगाया है, उसका बहुत जल्दी आपको रिव्यू मिल जाएगा, बहुत बेस्ट मॉइस्चराइज़र है और स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए। एंड ये सनस्क्रीन ज़रूर ऐड करना रहता है, कभी कभी होता है ना हमें बाहर जाना पड़े, तो सनस्क्रीन बहुत अच्छा है ये वाला जो ब्रांड ने भेजा था, बहुत ही अच्छा। और ये नया प्रोडक्ट आप लोगों से शेयर करी हो, हेयर ड्रायर मेरे पास पिछले साल था, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, पर वो उसमें सिर्फ कोल्ड ड्रायर था, बट इसमें हॉट वाला भी है, वार्म भी है, और ये इतना अच्छा है, इसमें आपको बहुत अच्छे फंक्शंस मिल जाएंगे, एंड ना काफ़ी जो है फास्ट है ये, और स्लो फास्ट का ऑप्शन है, तीन ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे आपको, बहुत अच्छे से हेयर ड्राई हो जाते हैं, आप बच्चों के लिए अपने लिए ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे ये, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, एंड ये 439 ऐसी कुछ परचेज है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बिल्कुल कोई भी पैड प्रमोशन नहीं है वीडियो मेरा, मैं परचेज करती हूँ तो मुझे लगता है आप लोगों से भी शेयर करना बनता है, क्योंकि ठंडी ऐसी चीज़ है ना, क्योंकि बच्चे हैं ना, आयान छोटा है ज़रूर, पर हेयर जब वॉश करते नहीं सूखते, ठंडी में धूप नहीं निकलती, तो इस सब की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। तो हेयर वॉश करके ही मैं जो ना उठी थी, और आधे घंटे से ज़्यादा समझ लो चालू रहा है, बट बहुत ही अच्छे से मेरा हेयर ड्राई हुआ है। और ये देखिए दाल मैंने कल निकाला था ना, तो उसमें घुन सी लग रही थी, तो मैंने बाहर रख दिया था रात भर के लिए, तो घुन हट गई, और ये छिली हुई दाल ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो ये इसमें घुन ना पड़े, ख़राब ना हो ना, तो इसके लिए अच्छी चीज़ ये है कि आप इसमें ना खूब सारी लौंग डाल दें, मतलब 8-10 लौंग डाल के रखें, फिर ये ख़राब नहीं होगी, घुन नहीं लगती है इसमें। सोयाबीन मैंने जो है उबालने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले सोयाबीन आलू की सब्जी इनको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत टेस्टी बनी थी, उन्होंने कहा कि चलो यार आज भी यही बनाओ, तुम्हारे हाथ की बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा चलो, ऑप्शन भी नहीं था क्या बनाया डेली डेली खाने का, तो फिर मैंने कहा चलो यही बना। और डेली ना पराठे पूड़ी वगैरह वैसे भी नहीं बनते हैं मेरे यहाँ, तो डेली इतना कोई नहीं खाना होता है फिलहाल, मेरा तो बिल्कुल नहीं खाना होता, फिर डेली इनको भी नहीं इतना पसंद है। तो यहाँ ना सबसे पहले मैं फ्राई कर रही हूँ आलू, जब तक सोयाबीन ना ठंडी होने के लिए मैंने रख दिया था। तो आलू फ्राई हो गए थे, तब तक मैंने कहा चलो चॉपिंग कर लेती हूँ फटाफट। और मैंने एक चॉपर मंगाया था, वो इतना बेकार निकला ना, मैं क्या कहूँ, वो 750 रुपीज़ का था, 740 रुपीज़ का, उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। और ये वाला जो है बिना इलेक्ट्रिक बिना चार्जेबल है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, अगर आपको लेना है तो चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ये और इतना यूज़फुल है ना, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चॉपिंग हो जाती है, तो मुझे ये बहुत ही पसंद आया था ये वाला, और डेली यूज़ भी कर रही हूँ मैं। और सोयाबीन हो गई थी ठंडी, तो पंखे चालू करके फ़ैन चालू करके कमरे में रख देती हूँ मैं, तो ठंडी हो गई थी, फिर इसको निचोड़ के रखना है। सोयाबीन बहुत पसंद आती है, किसे किसे पसंद है बताइएगा। तो मैं साथ में ना सब्जी के जो है मसाला रेडी कर रही हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता पकने में, सोयाबीन फ्राई होने में टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए मैं सोयाबीन को भी फ्राई करती जा रही हूँ उसमें, और सब्जी भी बनती जा रही है, क्योंकि ग्रेवी तैयार होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और बेसिक मसाले वगैरह जो है मैंने ऐड कर दिया है, जो नॉर्मल डेली मसाले जाते हैं, और प्याज होने के बाद, और टमाटर प्यूरी नहीं मैंने ऐड किया, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी बहुत अच्छी बनती है, नॉर्मल पानी थोड़ा सा ऐड किया। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए खाना, तो मूंगफली के दाने मैंने वेजिटेबल्स ऑयल में जो है फ्राई कर लिया है,
थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया, थोड़ा सा जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं वो ऐड किया है, सारे सीड्स मैंने ऐड किए हैं, जो सीड्स आते हैं वो मैंने बताया ना, जब मैं हेल्दी बनाती तो सब मिक्स एंड मैच जो है ना, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करती हूँ। ये बनाया, डाला मैंने पालक, इसे मैंने आलू ऐड नहीं किया क्योंकि आलू ख़त्म हो गए थे इसीलिए। तो आज मेरा दोपहर का यही लंच है, जो मैंने पालक बनाया ना उसी को जो है आज मैं खाऊंगी, नो रोटी नो सब्जी, सिर्फ ये पालक का। और ये ना व्रत वगैरह में बहुत खाया जाता है नवरात्र में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये। और थोड़ा सा इसमें जो है ना मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा मसाला ऐड किया है। सो एवरीवन, खाना वगैरह बन गया, मैं बैठी थी, रोटी वोटी भी बना दिया है, गए हैं बच्चों को लेने। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वैसे अब बात करने का टाइम मिल रहा है, बिजी थी बहुत ज़्यादा जिम से आने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करी थी, ज़्यादा दिन कल से स्टार्ट किया है, ज़्यादा दिन ना जाओ फिर ज्वाइन करो ना तो फिर थोड़ा सा बॉडी में बहुत पेन होता है, मेरे सभी के होता है। तो ये मैंने सिया के लिए जैकेट मंगाया है डेली यूज़ के लिए, और काफ़ी अच्छा कलर भी लग रहा है इसका, और हाथों से ना इस तरह से ब्लैक ब्लैक डिज़ाइन भी है इसमें। बिटू ऐसे दिखाओ पीछे हो, और नेक एंड वो क्या जॉन ऐसे कुछ लिखा हुआ है इसमें, एंड इसमें ना सबसे मुझे अच्छा लगता है कैप, कैप वाला मुझे बहुत पसंद है। और मैंने ना थोड़ा सा बड़ा साइज ही मंगाया क्योंकि बच्चों की हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है तो इसीलिए, और ख़ासकर सिया की हाइट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। और मैं अब आप लोगों से मिल रही हूँ इवनिंग में, और इवनिंग में जब हो गई थी शाम को ये आ गए थे बहुत जल्दी यार, तो बड़ी खुशी होती है जब भी मैं इनका वेट करती हूँ, और ये जब एकदम अचानक से आके सरप्राइज़ कर देते, तो ये बहुत टाइम हो गया पकौड़ी नहीं बनी है, तो उन्होंने कहा कि यार आलू की पकौड़ी बना दो, बहुत मन है चाय के साथ खाने का, तो बस फटाफट मैं ये जब तक आलू ला रही हूँ क्योंकि आलू ख़त्म हो गए थे मैंने बताया था, तो तब तक मैं बेसन वगैरह जो है ना पहले से रेडी कर लीजिए, अच्छे सा पेस्ट बना लो, तो क्या होता बहुत अच्छे से जब वो फूल आता है ना तो उसकी पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ सिया को तो पकौड़ी नहीं खाना था, तो मैं सिया के लिए गार्लिक टोस्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और अवन उसमें एयर फ्राई में नहीं बनाऊँगी, ऐसे फ्राई पैन पे बनाऊँगी। तो लहसुन को मैंने अच्छे से पीस लिया है, और इसमें चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो जो है ना मिक्स है ये, तो वो मैं इसमें ऐड कर ली, और थोड़ा सा ना इसको घी में पका लेती हूँ, आप चाहे तो बटर यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास घर का खुद का बना हुआ हाथ से जो घी होता है ना मैं उसमें जो है वो यूज़ करती हूँ, खासकर ब्रेड वगैरह बनाने के लिए। और ये वाला फ्राई पैन लेकर आई थी मैं, अभी तक मैंने शायद आप लोगों से अभी तक शेयर नहीं किया है मुझे लग रहा है, तो ये भी मैं जो वो डोसा तवा ये और कढ़ाई दो कई चीज़ें मैं एक साथ लेकर आई थी दो बार में, तो ये वाला मैंने लिया था, इसमें ना ग्रिल की तरह ग्रिल वाला है ये फ्राई पैन, जिसमें जो है ना लाइनिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, और बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरह से, मतलब खाना लाइनिंग हो जाती है ना तो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, तो ये सब में स्पैचुला ही जो है ना इस तरह से यूज़ भी करना होता है। और मैंने चार जो है सिया के लिए बना दिए थे, तो सिया को पहले दे दिया था बनाने कि उसको साइकिल चलाना रहता है, यहाँ फटाफट जो है पकौड़ियाँ जो है बन रही हैं। तो पकौड़ी वगैरह तो जैसे मैंने बताया मैं ऑयली कुछ नहीं खा रही हूँ, पर हाँ जैसे क्रेविंग होती है ना कभी कभी, अब एकदम से तो कोई चीज़ छोड़ना, सामने आखिर खा रहे हैं तो फिर कैसे छोड़ना होता है, तो दो तीन पकौड़ियाँ आप खा सकते हैं, मैंने दो तीन पकौड़ियाँ तो खाया था, आप इतना खा ही सकते हैं। ये हमारा हबी और वाइफी वाला कप में चाय पीने मज़ा ही आ जाता है, और जैगरी पाउडर डाल के रेडी हो गई ये चाय। और बस यहाँ पे पकौड़ी वगैरह रेडी हो गई है, और आज हम लोग देख रहे थे बहुत अच्छी सी एक मूवी, तो अब तो टीवी जैसे मैंने बताया था बंद हो जाती है, बट कभी कभार चालू हो जा रही है मूवी देखने के लिए रात में, और उसके बाद बंद हो जाती है, और कभी कभार मूवी देखने का जैसे कोई अच्छी अच्छी मूवीज़ आ रही हैं इस समय तो मन करता है, तो पकौड़ी इनको मैं बताती आधे में नमक कम था और आधे में थोड़ा सा सही था, तो वही वाली मैंने कहा जो गर्म गर्म लाई हूँ ना तो वही खाना, बहुत जल्दी ठंडी में ना खाना बिल्कुल ना बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, तो आज मुझे इतनी ज़्यादा ठंडी, जब सर में बहुत दर्द होता तो मेरे सर से शॉल नहीं हटती है। तो यहाँ हम लोगों की पार्टी जो है ख़त्म हुई, मतलब ऐसी पकौड़ी बनी थी, और डिनर मैंने थोड़ा सा जो है ना मैगी खाई थी, जो वेजिटेबल्स खूब सारे डाल के बनाया गया था। सो आई होप आज का व्लॉग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप लोग भी आके खाइए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।